ये स्टेज है, ये किसी का मां बाप नहीं है। यहां पर तो तरह तरह के कलाकार आते हैं, अपना रोल दिखाते हैं। एक पांच दस मिनट का रोल मेरा भी है, एक के रागनी का नंबर है। हाँ, सारी ये बात मैं बता रखा है क्योंकि समय का अभाव है। दादा जगन्नाथ ने भी बता रखा है कि ऊंचा पद किसे ने ना मिलता, पाना सब चाहवे से, जीवन है जहरीला फड़े, खाना सब चाहवे से, कोई सुखी ना इस दुनिया में, आना सब चाहवे से, और लोगो गाना आओ चाहे ना ऊपर गाना सब चाहवे से। जगन्नाथ के लागे पाछे खोटी इश्क बीमारी, कौआ सवत नहीं बनता ना नशे बात सदाचारी। गाने को तो सभी काजी करता, लेकिन गाने के घर तो बहुत दूर है, हम तो गाने वालों की पैरों के धूल के समान भी नहीं। एक रागनी कौन के राजा वीर विक्रमाजीत उन अंशों की डार के पीछे तामोल नगरी के अंदर प्रवेश हो जाते हैं। जाके सारी नगरी में घूमया, कोई खास चीज नजर नहीं आई। एक बठियारी की शराब पे पहुंच जाता है, वह बठियारी अपने एक नन्हे से लड़के को लेरी, उसने नुहान लागरी दुहान लागरी, अच्छी अच्छी पोशाके प्रहार की, गुलगुले पूड़े बना रही, वह खुआन नागरी खुशी मना रही, लेकिन साथ में रोन लागरी। राजा ने देखा, बड़े अचंभे की बात है, खुशी भी मना रही है लेकिन साथ में रोन लागरी है। रोने का कारण पूछा कि रो मनाली क्यों रोवे, कि बिपता पड़गी तेरे में, हे गहरा के दुख दूर करया करूं या ताकत से मेरे में, के वे बेतरा रोने का कारण बता के भाई यहां का राजा श्याम दामा उसकी लड़की किले के अंदर कैद है, उसके अंदर कोई ऐसी बीमारी है, रोजाना नगरी का एक आदमी उसकी भेंट में जाता है। आज से ठीक 12 साल पहले मेरे बेटे का बाप गया था, आज फिर घूम के ने मेरी देली पर नंबर आ गया, यू एक छोरा था यू भी मारा गया तो क्या गला गूंगी। सजनो राजा वीर विक्रमाजीत बठियारी को अपने धर्म की बाण मान लेता है, नुवला बेबे घबराओ मत ना, तेरे बेटे की जगह मैं जाऊंगा। एक बात के द्वारा राजा वीर विक्रमाजीत बठियारी से क्या कहते हैं क्या बता दिया भाई। को अपने धर्म की बाण मान लेता है, बोला बेबे घबराओ ना, तेरे बेटे की जगह मैं जाऊंगा, तेरे को किसी भी चीज की कोई चिंता करने की जरूरत नहीं। पहली कली के अंदर दादा ने क्या बता रखा, क्या बता दिया। परण करूं रही पान धर्म की मारी, देखे श्याम धाम रजा की लड़की वो इबलग फर कवारी, दन लखड़न ते पहलम ब्यालू देखे दुनिया सारी है, तन बार रुकाई देखे आठी दूंगा, बार रुकाई आठी दूंगा खादार बच्चे श्याम
इस रागनी पे खुश हो गया मार लिया आदरणीय बड़े भाई महेंद्र ननाना गांव से मेरे बहुत ही अजीज मित्र मार लिया आदरणीय बड़े भाई 200 रुपए से मान सम्मान कर दे बार बार धन्यवाद दिया जाता है धन्यवाद। एक भाई ने और 100 रुपए से मान सम्मान किया बार बार धन्यवाद दिया जाता है धन्यवाद। क्या बता दिया दूसरी गली के अंदर बिल्लू शर्मा के साजिंदे आ जाएं हमारे लिए आदरणीय बड़े भाई ओमवीर भाई हाथी करौदा से मेरे गुरुजी के बहुत ही अजीज मित्र हमारे बड़े भाई 100 रुपए से आशीर्वाद देते बार बार धन्यवाद दिया जाता है धन्यवाद। सदरो तीसरी कली के अंदर राजा वीर विक्रमा जी बठियारी का पूरी जो शादी के बेबे घबराओ ना तेरे बेटे की जगह मैं जाऊंगा। बठियारी के मन में संकोच रह गया रे कद यहां से जाने के बाद में मन तू भूल जाओ कद याद देना करे अगना बेबे चिंता मानने की कोई जरूरत नहीं है मेरी बाण के लिए यू काम करूंगा क्या करूंगा क्या बता दिया व्यपत पड़ी ते मदद करे आऊंगा तेरे कले की जो एक मां नी मदरणे आऊंगा हे इस अंदर मन बेटे के ब्याह में मत बात भरने आऊंगा हे बड़े भाई पहलवान जी लीलू प्रमुख जी काफी कलाकारों को सभी को बहुत ज्यादा मान सम्मान 200 रुपए से हमारा मान सम्मान करते हैं आशीर्वाद देते हैं।
बड़े भाई का बार बार धन्यवाद दिया जाता है, पहलवान जी का बार बार धन्यवाद। सजनों चौथी कली के अंदर दादा ने बता रखे पठियारी राजा वीर विक्रमादित्य के नागिन बोली, अरे तने सारी बाता का नेम तो कर लिया, ठेका तो ले लिया, लेकिन मेरा दस्ती कोने कहते तू पूरी करे नहीं, तू यहां से चला जाएगा, जाने के बाद में मैं तेरे को कहां ढूंढूंगी, कम से कम अपना पता बता के जा, तू कहां का रहने वाला है। दादा ने अपना एड्रेस बता रखा गुड़ा जी एकड़े, क्या बता दिया देखा दूंगा तीन गाड़ से करवा पछवा तन साबत गाम, देखा दूंगा ऐसी मटरे के तीरत बेता जमना दाम, देखा दूंगा श्री लक्ष्मी चंद की सेवा करता दर मंगे राम, देखा दूंगा देखे दिट्टी रोड बगे दोरे के श्रोताओं का बार बार धन्यवाद, प्रेम से गाना सुना।